हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे द पेडगुरु के चैनल पे। तो अगेन हम इब्राहिम के साथ है एस के आई पोल्ट्री फार्म पे। तो इब्राहिम भाई, फर्स्ट तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। आपको भी वेलकम है मेरे फार्म पे। और सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो इब्राहिम, इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम मेरे पास कुछ एंकर फीडर रहते हैं मेरे पास। ओके, देख सकते हो जैसे कि जो मुर्गी लोग को खाने पीने के लिए बर्तन लगते हैं ना, अराउंड ड्रिंकर्स हो गए, फीडर हो गए, ऑटोमेटिक ड्रिंकर हो गए, फीडर हो गए, और भी मॉडल्स रहता है। अभी इधर मेरे पास चार मॉडल है आपको मैं ये कवर करा सकता हूं। तो टोटल आपने ये पूरा एक मार्केट लगाया हुआ है, ये कितने क्या है मतलब? और उसके ही अभी मेरे पास प्रोडक्ट आए, फिलहाल अभी रैक वैक लग के सेट होगा। ओके, तो इसमें अभी क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने मिलेगा 8 किलो का फीडर है और ऑटोमेटिक बेल ड्रिंकर वगैरह है, और 3 किलो का फीडर है और 3 लीटर का ड्रिंकर है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी मॉडल आते हैं, अभी फिलहाल धीरे धीरे आएंगे। धीरे धीरे आएंगे। तो अभी आपके पास क्या अवेलेबल है वो दिखा दो। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी फिलहाल ये 8 किलो का फीडर है, 8 किलो का फीडर है जम्बो। Okay. और ये हैंगिंग फीडर है, हैंगिंग फीडर है, उसकी रस्सी वगैरह इधर है, हैंगिंग फीडर है और ये लटकता है, ये बड़े बर्ड्स के लिए रहता है। Okay. जो ग्रोवर बर्ड रहते हैं ना फार्मिंग के लिए, तो उस पे ये लगता है। और देख सकते हो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, और प्राइस वगैरह भी है। तो ये 8 किलो इसमें इजिली हम दाना डाल सकते हैं। तो इसमें मुर्गियों को खिलाने का क्या मकसद है? मुर्गी को खिलाने का इसके लिए इसका मकसद रहता है कि इसमें वेस्टेज नहीं होता। पहली बार हमारा जो फीड होता है, फीड होता है, वो काफी महंगा रहता है, तो अगर बर्बाद होगा तो ठीक है। तो आपने बताया कि जैसा फीडिंग वगैरह, जो फीड वगैरह वेस्टेज नहीं होता, वेस्टेज नहीं होता इससे, बट इस पे भी एक ट्रिक रहता है बिना वेस्टेज का। हाँ, जैसी मुर्गी की साइज रहेगी वैसी आपको अपडाउन करना, अपडाउन करना है, मतलब हैंगिंग होता है इधर पे, रस्सी से ये लटकेगा और उसके हाइट के हिसाब से हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो ये 8 किलो का, 8 किलो का है। नॉर्मली आप इसकी रस्सी भी मिलती है क्या? हम नॉर्मली रस्सी से टंगाना नहीं, होता है, इसकी रस्सी अलग रहती है, रस्सी में भी आपको। अच्छा, ये रस्सी है, ठीक है, रस्सी बताओ। इसकी देखिए वाली रस्सी रहती है, ठीक है, इस पे ये हैंगिंग होता है और आपको एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो एडजस्टर रहता है ये। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट लगा हुआ, एडजस्टमेंट लगा हुआ रहता है। आप ऐसा करोगे ये फोल्ड होगा, इसकी हाइट ऊपर नीचे होगी, हाइट ऊपर नीचे हम इजीली कर सकते हैं। हाँ, या तो नॉर्मली आप फार्म नहीं है, पर्सनली पाल रहे हो, तो आप नीचे भी रखिए, नीचे भी रख सकते हैं। तो ये 8 किलो का फीडर कितनी मुर्गियों में रखना चाहिए आप? अभी कैसा मैं कैपेसिटी पकड़ता हूँ, एक फीडर और एक ड्रिंकर पे 50 पीस। 50 पीस, अगर हम 8 किलो का एक फीडर और एक ड्रिंकर लगाएंगे तो हम 50 मुर्गी इजीली रख सकते हैं उसमें, उन फीड कर लेंगे। ओके, तो और जिसके पास 10-15 मुर्गी होती है, हम जैसा घर पे भी 10-15 देसी मुर्गियां पालते हैं, उसमें भी खाना वेस्टेड, तो उसके लिए छोटा फीडर वगैरह आता है? एक्चुअली ऐसा रहता है, इसके साइज के हिसाब से ही रहता है। अगर आपके पास बड़ी मुर्गी है, ठीक है, बड़ी मुर्गी, तो आप यही डालोगे तो बेटर है, छोटा डालोगे तो क्या रहेगी, मुर्गी के वेट से ना फीडर गिर जाएगा। अच्छा, वेट से इनके गिर भी जाता है। ओके ओके, अभी इसमें आप जरूरी नहीं है फुल भर के रखो। हाँ हाँ, नॉर्मली थोड़ा सा खाना डाल दो, जितना खाना है खा ले, खा ले, ठीक है, और कम मुर्गी है तो आप थोड़ा ही डाल दो। अरे, ये मुर्गी खाती रहेगी तब वो नीचे ऑटोमेटिकली आता रहेगा, ऐसा नहीं क्या? हाँ, तो वेस्टेज भी नहीं, वेस्टेज भी नहीं होता है। हाँ, और एक टाइम भर दो तो जब तक खाली नहीं होता आराम से चल जाएगा। ओके ठीक है, और सेकंड चीज क्या है? हाँ ठीक है, इसका प्राइस वगैरह, सॉरी, तो क्या प्राइस वगैरह में आ जाएगा इब्राहिम? इसका जो प्राइसिंग है ना, अभी कैसा कोई कम क्वांटिटी ले जाए, आप कैसा इसमें मैं कोई फार्मिंग करना चाहता है, ज्यादा क्वांटिटी है वो भी मिल जाएगा, और कोई आके लेके जाना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा फार्म पे से। तो कैसा है ये, इसकी जो प्राइस है 280 रुपीज है, 280 रुपीज पर पीस, पर पीस, मतलब इसमें पूरा सेट आ जाएगा ना? ये एक सेट आएगा आपको, उसका पूरा सेट आएगा, 280 रुपए का है, इंक्लूडिंग 12% GST। अच्छा, प्लस जीएसटी है। ओके, और इसमें कोई मिनिमम क्वांटिटी लेता है, जैसा मिनिमम 20 पीस लेता है जो, और ट्रांसपोर्ट है बाहर है, तो भी 280 पर पीस ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और कैसा कम क्वांटिटी लेते तो भी वही प्राइस ही रहेगी, पर ट्रांसपोर्टेशन कम क्वांटिटी में नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम क्वांटिटी में चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, तो ये सबसे अच्छा ऑफर आपने बताया कि 20 पीस से ऊपर ले गए तो आपको ट्रांसपोर्ट जो है फ्री हो जाएगा, डिलीवरी फ्री हो जाएगी, है ना? 20 पीस कोई मिनिमम। तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए कि सिर्फ इंडिया, मुंबई के लिए? ऑल ओवर हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया, पंजाब, कर्नाटक,
साउथ एरिया में सब जगह पे हो जाएगा। क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो ही पॉसिबल है। अगर आप 20 क्वांटिटी से ऊपर लेते हो, 20 पीस से ऊपर, तो आपको इसके डिलीवरी फ्री मिल जाएगी। ओके, और कोई भी ऐसा नहीं कि आपने 10 पीस ले लिए तो मेरे को 20 क्वांटिटी, ऐसा नहीं। मिनिमम एक मॉडल का कोई भी 20 पीस लेना पड़ेगा, एक मॉडल का 20 पीस लेना पड़ेगा। ओके ठीक है, और पर पीस का प्राइस है 280 रुपीज। ओके, और नेक्स्ट में है मेरे पास में ऑटोमेटिक बेल ड्रिंकर है। ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, तो इसमें क्या मशीन वगैरह लगी रहती है ऑटोमेटिक में? ऑटोमेटिक में मशीन नहीं रहती है। देखिए आप देख सकते हो, आज अच्छा है मेरे फार्म पे ही है। ओके, तो देखिए सेटअप लगे है। अच्छा, ये जो पाइपिंग जो गई है, ओके ओके, आप ये पाइपिंग देख सकते हो। हाँ, और ये जगह जगह पे ये जो एक ये दिया हुआ है ना, ये भी आपको ड्रिंकर के साथ में पाइप और उसका टी कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पाइप और टी कनेक्शन आप अपना हार्डवेयर से ले सकते हो, और जो उसका गोल वाला जो हिस्सा है, जो थ्रेडिंग होती है अंदर से, उसमें जो पाइप लगता है, वो आपको इसके साथ में सेट में आ जाएगा। इसके सेट में आपको फीडर आएगा, ड्रिंकर आएगा, रेगुलेटर आएगा, साथ में ये डंडा रहेगा, प्लस ये बाउल रहेगा। इसके अंदर आप सैंड और वाटर डाल के रख सकते हैं वेट के लिए। वेट के लिए, ओके। तो इसमें हमको अगर मेडिसिन वगैरह डालना पानी में, तो फिर कैसा क्या हिसाब रहेगा इसका? अभी इसमें आपको मेडिसिन डालना है, जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी पाल रहे हो। ज्यादातर आप ऑटोमेटिक लोगे तो ज्यादा क्वांटिटी में आप पालते हो तो ही लोगे। करेक्ट है। तो मेडिसिन क्या करना है आपको, डायरेक्ट है ना आपके टाकी में डालने का। मैं इसका टाकी का भी सेटअप करता हूँ, कौन सी टाकी में बताना। अच्छा अच्छा, मेरे इधर बना हुआ है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाता हूँ। ओके ओके ठीक है। तो और इसके साथ में पाइप आता है, 1.5 मीटर तक का पाइप रहता है, ये हम देते हैं पाइप आता है। तो ये पाइप मतलब ऊपर अटैच हो जाएगा इसमें, और इसमें आके आप जहाँ पर आपका ड्रिंकर लगा रहेगा वहाँ तक आ जाएगा, मतलब 2 मीटर के अंदर अंदर ही पाइप यूज होगा, है ना? और साथ में इसकी रस्सी रहती है, इसकी रस्सी थोड़ी अलग रहती है। अच्छा, सेम रहती है, एडजस्टर भी रहता है, बट इसमें आप पाइप भी इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से पाइप भी एडजस्ट, इसमें आप पाइप लगा के भी एडजस्ट कर सकते हो। ये रस्सी भी इसके साथ में आती है, और साथ में जो आपको मैंने बोला ऊपर लगाने के लिए ये चीज, ओके, ये ऊपर लगेगी, इसमें से पाइप आएगा कितना पानी हमको लेवल रखना है। ओके, तो ये जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर आपने बताया, ठीक है, तो ये मतलब ठीक है। तो इब्राहिम, ये जो है मोस्टली तो ये सब फार्म वाले के यूज में ही है ऑटोमेटिक बोले है तो, क्योंकि इनके लिए हमको प्लम्बिंग करके पाइपिंग वगैरह भी एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? अभी आप तो नॉर्मल देखिए, आप तो नॉर्मल है ना, मुर्गी आप फ्री रेंज में पालते हो, ठीक है, आपके घर के बाहर पालते हो, आप घर से भी एक वायरिंग लेके ना आपके घर पे भी एक सेटअप कर सकते हो, सिंगल भी हम लगा सकते हैं। ओके ओके, जरूरी नहीं है, टैंक में किधर भी लगा सकते हो, उसके भी बहुत सारे सेटअप है। अब कहता है इंडिया में जुगाड़ ही सारे, जुगाड़ करना कोई भी कर सकता है, सही है, राइट, जरूरी नहीं है, जुगाड़ आराम से होता है, आराम से होता है। हाँ, तो एक भी हम ये लगा सकते हो। तो आपने इसके बहुत अलग अलग सब छोटे छोटे पार्ट्स दिखाए। हाँ, तो अगर ये एक ड्रिंकर अगर कोई खरीदता है तो सब अलग अलग खरीदना होगा कि पूरा सेट मिलेगा? नहीं, जो मैंने अभी पार्ट्स दिखाया ना, वो आपको एक साथ में पार्ट्स आएगा, एक साथ एक में ही ड्रिंकर के सब एक अमाउंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये रस्सी आपको अलग से खरीदना है, वो चीज अलग से खरीदना है। आप अगर एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर लेते हो तो जो भी इसके पार्ट्स है वो सब साथ में आएंगे, एक ही अमाउंट, रेगुलेटर हो गया, फिर रस्सी हो गई, और फिर उसका पाइपिंग हो गया, सब एक साथ में आता है, एक ही साथ में आता है, कोई अलग लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी मेन बात इब्राहिम, इसका प्राइसिंग वगैरह क्या हो जाएगा? इसका ये प्राइसिंग 280 रुपीज है, 280 रुपीज है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूड है, इंक्लूड है, 12%। ठीक है, तो इसका कुछ है ऑफर वगैरह? 20 पीस के ऊपर लेंगे तो सेम भी ड्रिंकर फीडर लो, आप क्वांटिटी लेंगे मैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कर दूंगा। ओके, क्वांटिटी कम रहेगी तो उसमें इंक्लूडिंग नहीं कर, इंक्लूडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मिनिमम आप 20 पीसेस लेते हो तो आपको डिलीवरी फ्री हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया के लिए। डिलीवरी भी कैसा रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। डिलीवरी है ना लॉजिस्टिक से जाएगा, जैसे वीआरएल हो गया, अच्छा, और अपना टीसीआई एक्सप्रेस हो गया, तो कैसे आपके नियर बाय में किधर भी ब्रांच रहेगा, ऐसा नहीं कि स्टेशन पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लॉजिस्टिक से होगा, तो लॉजिस्टिक के जो नियर बाय ब्रांच रहता है हर एरिया का अपना अपना ब्रांच रहता है, उधर से आपको जाके छुड़ाना पड़ेगा, पिकअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी, ये इजीली क्यों मालूम है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम रहता है, हमें कुरियर में इतना बड़ा डब्बा बना दू तो कुरियर वाले, ये देखो ये ऐसा आप पूरा पैकेजिंग करके भेजते हो ना, अभी ये सब भी ऑर्डर आपका जहाँ तक निकलने वाला है, ऑर्डर का ही है, पूरा ऑर्डर का ही है, आप जहाँ से वहाँ से यहाँ तक देख रहे हो पूरा ऑर्डर का ही आया हुआ है, ये अभी पैकेजिंग होएगा और निकलेगा ये। ठीक है,
तो ये इसका भी आपने बताया 280 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, फीडर भी 280 रुपीज़ पर पीस है, 20 पीसेस अगर आप लेते हो तो डिलीवरी फ्री है। ओके, और कुछ स्मॉल्स इसमें है क्या, मतलब कम दाना लगाना है हमको, कम पानी लगाना है, मतलब मुर्गियाँ अभी समझो इसमें सेमी अडल्ट है, अभी बड़ी नहीं हुई है, तो उसके लिए हमको छोटा फीडर छोटा ड्रिंकर लगेगा। उसमें भी मेरे पास है ना, उसमें आपको मिल जाएगा 3 किलो का फीडर आएगा, अच्छा स्टैंड वाला। ओके, इसका ये स्टैंड है, रहेगा स्टैंड, 40 स्टैंड है ये एक्चुअली। अच्छा, इसमें हम स्टैंड भी रख सकते हैं, स्टैंड भी रख सकते हैं, स्टैंड वाला है। ओके, तो इसके साथ स्टैंड है ना, इसके साथ ये स्टैंड वाला है और 3 किलो का फीडर है इसमें, मतलब हम 3 किलो दाना भर सकते हैं, स्टार्टर हो फिर ये अपना पैलेट्स हो सब आ जाता है ना इसके अंदर, कैपेसिटी है। ओके, तो ये भी ये रस्सी वाला ये टंगा सकते हैं इसको, ये इसको टंगा नहीं सकते, इसको टंगा नहीं सकते, इसमें मॉडल आते हैं आपको, इसमें रस्सी वाला चाहिए रस्सी वाला भी मिलेगा, मिल जाएगा, इसमें ग्रिल वाला चाहिए ग्रिल वाला भी मिलेगा, इसमें 3 किलो में 3-4 मॉडल आते हैं मेरे पास में। ओके, आप मेरे को कॉन्टेक्ट करेंगे ना तो मैं आपको कैटलॉग शेयर कर दूंगा, आपको जो रहेगा आप रिक्वायरमेंट से आपको ऑर्डर पे मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्टैंड बता दो ना एक बार, इसका स्टैंड ये वाला है एक्चुअली, अच्छा ये बंच है अभी भाना हुआ है, ठीक है ठीक है, ऐसा ओके, ये स्टैंड है ना ओल्ड मॉडल का, ओल्ड मॉडल हाँ, दूसरा आता है हाँ। स्टैंड के भी एक रहता है, अगर आपके चीक छोटे हैं ना हाँ, तो आप ऐसा रखिए, ठीक है ठीक है हाँ, तो आपके फीड बराबर होगी, ये चिक्स के लिए हो जाएगा, अगर आप 1 डे के चिक्स लाते हो रखते हो तो आप ऐसा रख, डायरेक्ट रखने हैं, ठीक है ओके, और फिर उसके बाद में आपके चिक्स थोड़ा बड़े हो गए 5-6 दिन के हो गए तो ऐसा रख सकते हो, ठीक है, और आपके चिक्स फिर और बड़े हो गए तो आप ऐसा हाइट रख सकते हो। ओके, हाइट एडजस्टमेंट इसके लिए रहती है ना, उसके लिए फीट कैप मतलब गिराएना जानवर, इसके लिए वो हिसाब से आप हाइट रखेंगे ना, खाली उनकी गर्दन जाएगी खाएगी, अगर लोग अंदर घुसने लगे तो फिर गिराएंगे। ठीक है, तो ये 3 किलो का है फीडर है, तो इसका प्राइस वगैरह क्या होगा? 3 किलो का फीडर का प्राइस 150 रुपीज है, 150 रुपीज। और एक बार एक चीज मेंशन करना, ये सब प्राइस आप रिटेल होलसेल मतलब दूसरे जगह आपसे भी सस्ता मिल जाएगा? अभी देखिए कैसा रहता है, सबका मॉडल और सबका अलग अलग रहता है। अच्छा, आप मेरे से लोगे तो मेरा रेट ये है। हाँ, क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी तो आप देख सकते हो, आके चाहिए तो चेक करके लेके जा सकते हो। हाँ, किसी को अगर सैंपल के तौर पे 1-2 पीस चाहिए रहेगा तो? हाँ, तो मैं भेजा दूंगा ना सैंपल के लिए। एक पीस अगर किसको एक पीस भी चाहिए, एक पीस भी मिल जाता है, एक पीस भी मिल जाता है, जरूरी नहीं है, मैं क्वांटिटी नहीं रखता, क्वांटिटी में खाली ऑफर मिल जाता है कि आपको आपके घर तक का मिल जाएगा। ओके, और क्वालिटी इसकी अच्छी है? क्वालिटी इसकी अच्छी है, फाइन क्वालिटी है, सालों मतलब 10 साल आपको देखने की जरूरत, देखने की जरूरत पर डाल लिया। हाँ, ये कि आप इसके ऊपर कूदेंगे छाड़ेंगे तो टूटेगा, बाकी आप ऐसा रख दो सालों साल चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, क्योंकि मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ ऑलरेडी, मैं 7 साल से प्रोडक्ट ये सब यूज कर चुका हूँ। ओके ओके, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ में, अच्छा है। और इसके अलावा अपना क्या बोलते हैं, अपने इसका प्राइस क्या बता दिया? इसका प्राइस मैं बताया 150 रुपीज, 150 रुपीज इंक्लूडिंग GST 12%। अब आप दूसरे लोग से भी लेते हैं ना तो लोग आपको प्राइसिंग कम बताएगा, इंक्लूडिंग नहीं रहता, एक्सक्लूसिव रहता है। ओके, पहले से लोग ऐड करके आपको एक अमाउंट बता देते हैं, और मेरा जो प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी, मेरा तो होलसेल का भी फिलहाल काम नहीं है, रिटेलिंग ही प्राइस है। कोई भी फार्मर लेता है तो बल्की में लेता है, बल्की में नॉर्मली में नहीं रहता है, तो हाँ मैं रीसेलिंग नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा प्राइस ऑलरेडी रिटेलिंग। ओके ठीक है, और इसके साथ में 3 किलो में कुछ है और ये ड्रिंकर दिख रहा है? 3 किलो में ना और भी आते हैं फीडर, फिलहाल अभी मेरे पास है नहीं है, इसमें टर्बो मॉडल आता है, हैंगिंग मॉडल आता है। ओके, अगर किसी को चाहिए तो आप पूरा उसको एक लिस्ट भेज सकते हो ना व्हाट्सएप पे कि आपका कैसा कैसा मॉडल है क्या है करके, ऑटोमेटिक ड्रिंकर में भी एक नहीं आता है। अच्छा, और भी मॉडल है, और भी मॉडल, निपल मॉडल है, निपल भी ड्रिपर मॉडल है, कप मॉडल है, कप मॉडल है, ऐसा है। किसी को अगर चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट करे तो पूरे डिटेल जो है इब्राहिम व्हाट्सएप कर देगा आपको, और बराबर से प्रॉपर गाइड भी कर देंगे, है ना? ठीक है, उसके अलावा मेरे पास वाटर ड्रिंकर है, ये वाले हैं, राउंड शेप है। ओके, राउंड शेप वाले में, ये राउंड शेप वाले में, ये ज्यादा कुछ नहीं, पानी ले, अगर इसमें मेडिसिन वगैरह डाला हम डायरेक्ट डाल सकते है ना, कोई इशू नहीं किसी को। ऑटोमेटिक ड्रिंकर है आपका, अगर ऑटोमेटिक ड्रिंकर में आपको डाकी में नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मेडिसिन लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ना एक वॉल भी लगता है। अच्छा, वॉल लगा सकते हो अगर है तो, ये तो आपने नल के टाइप में ना इधर वो लगा सकते हो बीच में, अच्छा वो बंद कर देंगे, इसमें पानी बंद हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो इसमें पानी भर के भी रख सकते हो। ओके, एज अ खाली दवाई के लिए, दवाई के लिए, हाँ इसमें दवाई चला दी, इसमें नॉर्मली पानी चला दी, ऐसा भी आप चला सकते हो। ठीक, तो ये जो है 3 लीटर का है, 3 लीटर कैपेसिटी का है। ओके, और ये भी विथ स्टैंड ही आएगा, इसका भी स्टैंड मिल जाएगा, साथ में स्टैंड मिलेगा, ये भी स्टैंड, इसका ये देसी बॉयलर सबके लिए यूज होगा, सबके लिए यूज होगा, है ना? हाँ, आप नॉर्मल घर पे भी पाल सकते हो, जो भी है। ठीक ठीक है गाइस, तो देख सकते हो क्वांटिटी आपके सामने,
अभी ये सब 100 पीस कम से कम रहेगा इनके पास जो कि डिलीवरी लिखा था, और किसी को भी चाहिए हो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इब्राहिम एक बार आपका एड्रेस और नंबर दोनों बता देना। मेरा एड्रेस जो है ना तलोजा धानसर गांव, तलोजा में धानसर गांव पड़ता है, इधर है। ओके। और आप गूगल पे सर्च करोगे ना मेरा प्रॉपर लोकेशन बता देगा आपको, SKI पोल्ट्री फार्म। SKI पोल्ट्री फार्म, ओके। पोल्ट्री फार्म मैंने। अब कौन से सोशल मीडिया पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप? अब मैं तो ऐसा यूट्यूब में भी हूँ, ऐसा मेरा यूट्यूब चैनल खुद का भी है जहाँ पर मैं बर्ड्स वगैरह के अपडेट देता रहता हूँ कि मेरे पास ये सब अवेलेबल है। ओके। और उसके अलावा मेरा अपना इंस्टाग्राम भी है, और इंस्टाग्राम भी है, फिर उसके अंदर फेसबुक भी है, फेसबुक पेज भी मेरा। ओके। वहाँ भी इसके लिए कि मैं अपडेट देता रहता हूँ मेरे पास स्टॉक कौन से अवेलेबल है, उससे आप पता कर सकते। पता कर, ठीक है। और अमेजोन वगैरह पे भी आपका था? अमेजोन वगैरह पे भी मेरा प्रोडक्ट है ना, अमेजोन वगैरह भी मेरा प्रोडक्ट, मेरी खुद की वेबसाइट भी है, पोल्ट्री आपका एक वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप परचेस करते हो, डायरेक्ट भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक है। तो किसी को भी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो इब्राहिम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इब्राहिम आपका एक बार नंबर बोल दीजिए ना। मेरा फोन नंबर है 9969909227। ओके, मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और टिल देन के लिए थैंक यू इब्राहिम। ओके।